आशीर्वाद से तीनों महादेवताओं के साथ साथ सभी देवताओं की प्रार्थना में प्राण ज्योति से मां दुर्गा ने अवतार किया। वो मां अद्भुत रूप धारिणी थी, अष्ट भुजाओं और तेजस्वी मुखमंडल के साथ। जब मां ने सिंह पर सवार होकर उन दुष्ट राक्षसों का वध किया तो तीनों लोग शेरा वाली मां की जय जयकार से गूंज उठे। और बीच में रास्ता बना दे भाई। तेरी आस ये लगाई है, जिनका न कोई उनकी तो ही माँ सहाई है। रोशनी अंधेरे में दिखा दे शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली भाई। ताली बजा दें सभी लोग जोर से, अगर भैया गाना अच्छा लगा है। और एक बार बड़ी सुंदर हाजिरी अभी हमारे लालू भैया लगा रहे थे, उनके लिए ताली बजा दें सभी लोग जोर से। सबके लिए भी तालियां हो जाए, क्योंकि बराबर 21 तारीख से कार्यक्रम चल रहे हैं। लगभग आवाज सबकी गायब हो चुकी है। आवाज गायब होने के बाद भी क्षमता अगर कोई रखता है तो वो हमारे लालू भैया गाने के लिए। बराबर तारी गाय के लिए सभी लोग जोर से। और आइए, जैसा कि सभी भक्त जानते हैं कि चाहे कोई देवता है या कोई इंसान, माँ के बगैर सभी अधूरे। दादाजी थोड़ा माइक को साफ हो जाएगा। हाँ जी, जैसा कि सभी भक्त जानते हैं, चाहे कोई देवता हो या कोई इंसान, माँ के बगैर सभी अधूरे। अगर माँ ना होती तो शायद आज ये संसार नहीं होता, और संसार नहीं होता
तो इतने सारे भक्त इस मैया के दरबार में बैठे नहीं होते, इसलिए जितने भक्तों ने मैया को बुलाया है जरा अपने दोनों हाथ उठा करके बताएंगे कि माँ मैंने आपको बुलाया है। कितने भक्तों ने मैया को बुलाया है? हाँ जी, उठा ले ऊंचे ऊंचे हाथ और अपने हाथों की रेखाएं महारानी को दिखा दें। अगर आपकी तकदीर में कोई कमी होगी तो मेरी माँ उसे अवश्य संवारेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जोर से जयकार लगाए, बोले दुर्गे मैया की, बोले वैष्णव मैया की। भक्तों ने महारानी को बुलाया, महारानी दरबार में आ गई और भक्तों ने जोर से जयकार लगाई। तो इस जयकारे की आवाज उस राक्षस के कानों में पड़ी। क्या नाम है उस राक्षस का मालूम है किसी को? जोर से बोले सभी लोग, महिषासुर। भाई इनके लिए ताली बजा रहे सभी लोग जोर से। सबसे महिषासुर इतनी किस्मत वाला राक्षस है जिसकी आज कलयुग में भी पूजा होती है। आप लोगों ने देखा होगा जहां पर मेरी मैया का दरबार होता है तो महिषासुर जरूर बैठा होता है, ऐसे करके बैठा होता है। और जब हम अपनी मैया की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो साथ में महिषासुर की भी पूजा होती है। तो कौन कौन भक्त चाहते हैं कि आज इस जागरण में मां सिंह पे सवार होकर महिषासुर का वध करें? कितने लोग मरवाना चाहते हैं महिषासुर को? उठा ले हाथ। हाँ जी, जिसके पास एक हाथ है वो एक उठाए, जिसके पास दो है वो दो उठाए, और जिसके पास नहीं है वो पड़ोसी से उधार ले सकता है। उठा ले ऊंचे ऊंचे हाथ से। हाँ जी, जो भक्त मेरी मैया के परिवार के हैं वो हाथ उठाएं, और जो महिषासुर के परिवार के हैं वो हाथ नीचे रखें। कितने भक्त मेरी मैया के परिवार के? उठा ले ऊंचे ऊंचे हाथ और जोर से जयकार लगाए, बोले वैष्णव मैया की, बोले पूर्णागिरी मैया की, बोले दुर्गे मैया की। भक्तों ने महारानी को बुलाया, महारानी दरबार में आ गई और भक्तों ने जोर से जयकार लगाई। तो इस जयकारे की आवाज को सुनकर वो महिषासुर महारानी को ललकारता हुआ सभी भक्तों के बीच में आ रहा है और बीच में एक रास्ता बनाते सभी लोग। हाँ जी, आधे लोग इधर हो जाए और आधे लोग इधर हो जाए, आधे लोग इधर हो जाए और आधे लोग इधर हो जाए, रास्ता बना दें, क्योंकि बड़ा खतरनाक राक्षस है, अगर किसी को मार के खा गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए रास्ता बना दें सभी लोग। हाँ जी, आइए। महारानी को ललकारता हुआ महिषासुर सभी भक्तों के बीच में अपने सुंदर से आओ भैया, जरूर मंच पे खड़े बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए सभी लोग। हाँ जी, जो मंच पे खड़े सभी लोग बैठ जाए, और जो भक्त खड़े हैं मैं निवेदन करूंगा सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है मैया के दरबार में, किसी चीज की कमी नहीं होती, इसलिए सभी लोग बैठ जाए जो लोग खड़े हैं। आइए, महारानी को ललकारता हुआ महिषासुर सभी भक्तों के बीच में। तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, राजाओं का राजा, असुरों का असुर, महिषासुर नाम है मेरा। और इतनी पब्लिक क्यों बैठी है यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम लोग बता दो, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। आज कोई मेरा फोटो नहीं खींच रहा है क्या? अच्छा, खींच रहे हो तो ये बताओ, तुम्हारा मोबाइल एंड्रॉइड है तो फोटो HD होना चाहिए और फेसबुक पर जाना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत छोटी बात है।
मुझसे मिलना है तो फेसबुक से जुड़ना होगा, तो खींच रहे हो मेरा फोटो, खींचो खींचो खींचो, ये लोग मेरा फोटो खींच रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ और कितना बलवान हूँ। उठाता हूँ हाथ तो आसमान कांप जाता है और रखता हूँ पांव तो जमीन थर्रा जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मेरे नाम से कांपते हैं और तुम लोग मेरा वीडियो बना रहे हो, मेरी तलवार देख रहे हो, मेरा पेट देख रहे हो, चार को खा के आया हूं नेपालगंज से और तुमको भी खा जाऊंगा, समझ गए, क्योंकि मेरे जितना पेट यहाँ पर किसी का नहीं है। कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और मेरे दरबार में महिषासुर मेहरा, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है और महिषासुर के दरबार में जो लोग नाच लेते हैं उनका भरा हुआ पेट भी कम होता है। मेरा पेट देख रहे इतना पेट सबका है, जिसका इतना पेट है वो है, मैं उसका पेट अपने तलवार से कम कर दूंगा। ये और क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, और इस कन्या को क्यों बुलाया है और इसके साथ में ये शेर, अच्छा अब समझ में आया कि तुम लोग थोड़ा सा दादाजी बेस देने हल्का सा बेस, तुम लोग यहाँ इस कन्या का जागरण कर रहे हो, इस कन्या का, अरे ये कन्या तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, कुछ नहीं ये कन्या तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, अगर जागरण करना है तो मेरा करो मेरा, बहुत पैसा मिलेगा इतना, ये अबे शेर, ये शेर कहाँ से आया है और इसका मुंह क्यों टेढ़ा हो गया है, अबे शेर तेरा मुंह क्यों टेढ़ा हो गया है, अच्छा इसको कल मैंने थप्पड़ मार दिया था इसीलिए इसका मुंह टेढ़ा हो गया है, अबे शेर तेरे दांतों में बड़ी धार लगती है, जरा अपने दांत दिखा था, हाँ उंगली डाल के देखता हूँ, उंगली डाल के आज 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 हाँ उंगली डाल के देखता हूँ, इसके दांतों में तो बहुत धार लगती है, एक बार और देखूंगा, आजा 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 हाँ एक बार और देखूंगा, हाँ आजा 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 ये अबे शेर क्यों मरना चाहता है तू, अच्छा ये बता कि मरने से पहले तेरी कोई अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा है कुछ खाएगा नहीं खाएगा, कुछ पिएगा पिएगा भी नहीं, तो क्या इच्छा है तेरी, क्या इच्छा है जल्दी से बता, नहीं क्या इच्छा है, अच्छा अब समझ में आया कि ये शेर मेरे साथ डांस कॉम्पिटिशन करना चाहता है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि मैं भी दुनिया का नंबर वन डांसर हूं, पूरे संसार में मुझ जैसा योद्धा और मुझ जैसा डांसर कोई नहीं, क्योंकि जिस समय मैंने स्वर्ग के राजा
इंद्र के सिंहासन को छीना, उस समय वहां बड़ी